खुली हवा और अब जहरीला पानी, यही केजरीवाल मॉडल है। पहले दिल्ली को गैस चेंबर बनाया, 400-500 पार एक्यूआई हो गया, उसमें 8.5-9 वर्षों में क्या किया उसका जवाब नहीं दे पाए। केवल कभी केंद्र पर दोष, उत्तर प्रदेश पर दोष, हरियाणा पर दोष, दोषारोपण की राजनीति की, और आज जहरीले पानी से भी हमें जूझना पड़ा। जब भक्तों ने छठ पूजा के आखिरी दिन पर सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए पानी में उतरना पड़ा, तब घुटनों तक जहरीला झाग वाला पानी दिखाई दिया। मां यमुना को साफ करने की बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल ने की थी, कहा था कि मैं 5 वर्षों में मां यमुना को साफ कर दूंगा। हजारों करोड़ रुपए केंद्र की सरकार के द्वारा उनको दिए गए, परंतु वो हजारों करोड़ रुपए केवल विज्ञापन की भेंट चढ़े या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े? दिल्ली जल बोर्ड में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ उसके प्रमाण भी सामने आ चुके हैं, परंतु मां यमुना साफ नहीं हो पाई। मां यमुना गंदी रही, मैली रही, उसका भी दोष कभी उत्तर प्रदेश को देना, कभी किसी और को देना, परंतु अपनी जिम्मेदारी से हाथ मोड़ लेना, अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो देना। और आज जिस प्रकार से पूरे छठ पर्व में जो वादे किए गए थे कि टॉक्सिक फोम को हटाया जाएगा, 1100 घाट बनाए जाएंगे, वो सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई और जो भक्त है उन्हें जहरीले पानी का सामना करना पड़ा। केजरीवाल जी का यही मॉडल है, जहरीली हवा परोसेंगे, जहरीला पानी परोसेंगे और फिर इसमें जहरीली राजनीति करेंगे, और राजनीति करते करते अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे, जिम्मेदारी का ठीकरा कभी किसी और पर डालेंगे या अपनी जिम्मेदारी का कहीं भी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। यही केजरीवाल मॉडल बन चुका है।